वेलकम टू माय चैनल शमा उर्दू हिंदी। आज का जो टॉपिक है वो बीएड फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए है। उसमें जो है यूनिक पेपर कोड है बीएड 104। पेपर टाइटल है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। ठीक है, इसमें टोटल पेजेस जो है वो 48 हैं। और फर्स्ट ये क्वेश्चन है कि डिस्कस द मल्टी लेजिज्म इन ब्रीफ एंड हाउ इट कुड बी यूज एज अ रिसोर्स इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो इसका जवाब यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी मेरे पास। ठीक है, पूरा वैसे तो मैं दिखा ही रहा हूँ, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि पीडीएफ फॉर्म में मिल जाए तो वो पीडीएफ फॉर्म में भी मिल जाएगी। बाकी आप देख के बना सकते हैं तो भाई देख के बना लो। 48 पेजेस की है ये। अब 48 पेजेस आप देख के भी बना सकते हैं, और आप चाहें तो पूरा जो है बीएड के जो नोट्स हैं वो मेरे पास मिल जाएंगे। आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जब हमने तैयार करे तो सोचा आपके साथ शेयर कर दें, ताकि आप भी इससे फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि तो बने बनाए मिलना बहुत मुश्किल हो जाते हैं। ठीक है, 5वां पेज पे इतना ही लिखा हुआ है। इसके बाद भाई छठा पेज है, एडवांटेज है इसके क्लासरूम के, और सही कर लेता हूँ। एक बार बीच में जो है ये इस तरह से कर देता है हरकत। एडवांटेज ठीक है, मल्टी रीजनल क्लासरूम ये लिख लीजिएगा, फूड फॉर द ब्रेन, लिटरली ये सारे लिख लीजिएगा। बात इसके बाद नेक्स्ट पेज पे भी है, ये पूरा आप लिख लेना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन द पीपल, और ये पूरा लिख देंगे। बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में पूरा लिख देंगे, और ये पूरा यहाँ पे ऐसे ही चलता रहेगा। इसके अंदर पूरा ये लिख देंगे। 10वां पेज है, दूसरा क्वेश्चन है इसका कि राइट डाउन द मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ द लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम एंड इट्स नीड इन द क्लास लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम अप्रोच। व्हाट इज लैंग्वेज है, इसका पूरा आंसर आप देख सकते हैं पूरा। ठीक है, 11वें पेज पे है, एम्स ऑफ द LSE। ठीक है, पूरा आप जो यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद 12वां पेज है, इस पर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, बेनिफिट्स फॉर स्टूडेंट्स, सारे पॉइंट टू पॉइंट लिखने, और देखिए कितना साफ लिखा हुआ है, इस तरह से आपको लिखना है। और 13वें पेज पे फॉर टीचर्स, टीचर्स के लिए, आप टीचिंग टीचर ही बनना है तो आपके लिए है टीचर रूल इन LSE। ठीक है, LSE लैंग्वेज इज अ टूल फॉर कॉन्सेप्टलाइजिंग कॉन्टेक्स्ट, पूरी बात आप ये इसके अंदर लिख दीजिएगा, जैसे जैसे आप तक पहुँच रही हैं बातें, ये पूरा लिखना है इसके अंदर। दिखा रहा हूँ मैं आपको एक एक चीज़, आगे आप आराम से इसे तैयार कर लें। 16वें पेज पे यही चीज़ें लिखनी है। उसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट पे, 17वें पेज पे, ऑल लैंग्वेज इज द डिस्टिंग्विश हाउ इट्स वर्क, वर्क के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, 18वां पेज है, पीछे पेज पे भी लिखा हुआ, पेज नंबर भी डले उन्हें, सफाई से लिखिएगा जैसे लिखा हुआ। आपकी राइटिंग और अच्छी है तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि मुझे नोट्स की शक्ल में थोड़े से दस्तियाब हो जाएंगे तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए, आपको पीडीएफ फॉर्म में भी मिल जाएंगे और हार्ड कॉपी में भी मिल जाएंगे। हार्ड कॉपी में यह है कि फोटो कॉपी आप करा लेना, फोटो कॉपी हमसे कराएंगे हम कर देंगे। ठीक है, पूरा लिखना है, थ्योरी ऑफ लैंग्वेज है, पूरा लिखना है। पेज नंबर 20 ये पड़ा हुआ है, 21वां आ गए पेज नंबर, थ्योरी ऑफ लर्निंग इसके बारे में लिखना है। ऐसे हाईलाइट कर लीजिएगा जो भी आप कर रहे हैं, उससे जो है टीचर को अच्छा इंप्रेशन जाता है आपका कि भाई इस बच्चे ने मेहनत करी है, और वाकई आपको मेहनत करनी चाहिए क्योंकि आप इस मोड़ पे हैं। थ्योरी ऑफ लर्निंग ये लिख दीजिएगा, इसको हाईलाइट, इस मोड़ पे हैं कि आप जो है दूसरों के लिए मशाले राह बने। हम भी कोशिश करते हैं, सिलेबस लर्निंग एंड टीचर रूल्स क्या क्या है सारा आप पूरा लिखिएगा। कटा हुआ है इसे छोड़ देते हैं, है ना। एप्लीकेबल
कौन कौन एप्लीकेबल है इसके लिए पूरा लिख दीजिएगा। ऑल लैंग्वेज मेथड फॉर टीचिंग एंड चाइल्ड, इसके बाद है होल लैंग्वेज एंड क्लासरूम, पूरा इसी तरह आप जो है इसे तैयार कर दीजिएगा। और उम्मीद है कि आप अच्छे तैयार करेंगे। पीडीएफ फॉर्म में चाहिए भाई, पीडीएफ नहीं मिल जाएगी। पीडीएफ का मैंने प्रोसेस बता ही दिया, आपको मुझे कांटेक्ट करना है, इंशाल्लाह आपकी पूरी मदद हो जाएगी। एक क्वेश्चन है, रिवेलेंस ऑफ द एक्सप्लेन स्टोरी टेंडेस डेवलपमेंट द क्रिटिकल थिंकिंग नेचर ऑफ द एक्सप्लेनेटरी थ्योरी, इसके अंदर ये पूरा लिख दीजिएगा। और पर्पस ऑफ द थ्योरी टैक्स, पूरी बात लिखिएगा। नेक्स्ट है करेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी, ठीक है। इंक्लूड फैक्ट्स क्या हैं, ठीक है। इंक्लूड मोर फीचर्स क्या हैं, पूरी बात लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये पूरा लिखना है, टाइप्स ऑफ टाइप्स क्या हैं इसके, ठीक है। डिस्प्रिगेटिव टैक्स क्या है, महात्मा गांधी के बारे में आप, ठीक है, ये देख लीजिए। पेज नंबर 30 पे आ गए हम, पूरा इनके बारे में ये लिखा हुआ है, पूरा लिख दीजिएगा। और पेज नंबर 31 कंपेयर करना है, पूरा इसी तरह आप जो है इसे लिख दीजिएगा। कॉजेस क्या हैं, ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्यूशन, इसके बाद है लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर एंड सोशल साइंस, इसके बारे में है ये 33 पेजेस पे है, पूरा आपको दिखा रहा हूँ मैं, आप आराम से इसे तैयार करिए, ठीक है। इस तरह से आप इसे तैयार करिए। थर्टी फाइव, दीज वर्ड्स आर पुट टुगेदर, और यहाँ पे ये लिखे हुए हैं फीचर्स, देन ट्राई द फेयर एकम फीचर्स, पूरी बात लिख दिया है इसमें। ठीक है जी, इसके बाद यहाँ पे भी 38 पेज पे भी यही पूरा लिखना है आपको, और रख देता हूँ मैं इधर। अब आ जाते हैं बेसिक लैंग्वेज स्किल क्या है, पूरा लिखा हुआ है, ये लिख दीजिएगा, ठीक है। पीडीएफ फॉर्म में भी दस्तियाब है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये तो यहाँ तो मैं दिखा ही रहा हूँ आपको, ठीक है, पूरा देख लीजिए आप रीडिंग, ठीक है। इस तरह से इंशाल्लाह ये पूरा हो जाएगा हमारा। रीडिंग द न्यूज़, ये इसके बारे में, और रीडिंग ब्लॉग्स आउटलाइन, स्पीकिंग, ठीक है, सारी चीज़ें इसमें लिखूँगी, आप आराम से देख के उतारना है, बस कहीं जाना नहीं है, कुछ नहीं करना, सिर्फ नोट करना है। इतने आपसे इल्तिजा है कि अगर आपको ये मालूमात पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन तक भी पहुँच जाए कि भाई कोई है जो हमारी हेल्प कर रहा है। ये 47 है, बाद में 48 करिएगा, पहले 47, ठीक है। तो सब आगे पीछे हो गया, ये होने के बाद ये करिएगा। तो जहाँ तक हमारी वीडियो पूरी होती है, कंप्लीट होती है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।